नमस्कार मित्रांनो, सॉरी नमस्कार दोस्तों, मैं सर्प मित्र गोपाल सोनी और मेरे साथ में हमारे टीम मेंबर सर्प मित्र धीरज परदेसी। और दोस्तों, हम अभी धुलिया से 10 किलोमीटर के दूरी पर तिखी तालाब के आसपास में, यहाँ पे एक गोपाल नगर बोल के गाँव है, छोटी सी बस्ती है, वहाँ पे हमें एक कॉल आया कि उनके घरों के अंदर सांप है। तो ये वो अंकल है जिनके घर के अंदर अभी सांप है और हम अभी मौके पर है। तो दोस्तों, उनके मुँह से कुछ जानकारी वो दे देंगे कि वो कितने दिनों से उनके घरों पे सांप आ रहा है और कितने दिनों से देख रही है वो, उन लोग कुछ बताएंगे अंकल। और तीसरा सांप है, पहला जो सांप होता तो डालकी होती, वाह करनी थी डालकी मध्य बसला होता तो पूरी डालकी अच्छी शीट लागली होती, अर्धा बाहर होता ते पण तंगाडून दिले। तर आता तिसरा साप आला आहे, तर माझ्या घरात साप येते छोटीशी अशी बाबाची गादी केली आहे, ती गादीमध्ये जिंकतात, दुसऱ्याकडे कुठे नाही जिंकतात। आणि थोडे बाबाची थोडी सेवा करते, महादेवावर पाणी टाकते, पण हे काय असं होऊ राहिलं ते काही कळत नाही। मी देवचनहारी दावलचे तिथे गावाचा राहतो, गोपालनगर म्हणून तिथं राहतो मी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने देख लिया कि अंकल ने थोड़ी अपने भाषा में, जैसे कि महाराष्ट्र की शान मराठी मेरी जान के लैंग्वेज से उन्होंने कुछ बताया कि उनके घर के अंदर बहुत दिनों से सांप आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो उन्होंने हमको कॉल किया है कि अभी हम मौके पर है, तो वीडियो में बने रही है दोस्तों, हम सांप कौन सा है निकाल के आपको दिखाते हैं। चलो चलो आ जाओ, लाइट भी ना, इधर रुक जाओ का भैया, वो बंद कर दो, बंद कर दे। तो दोस्तों, ये होल के अंदर मुझे थोड़ा सा सांप दिख रहा है और मुझे ये बहुत ही खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं थोड़ा ये वीडियो को स्टॉप करके ये सांप को निकालने का प्रक्रिया में लगता हूँ। तो मैं फिर से आपको ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, तब तक के लिए मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। थोड़ा सा लंबा है, उन्हें धार नहीं ना बाबा, पीछे जाके देखो ना, देखा तुम ध्यान रहो दी बाहर कोपराला। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि घरों के अंदर मैं एक सांप रेस्क्यू कर रहा हूँ दोस्तों, तो अभी मैं उस सांप को रेस्क्यू किया है। देख लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको मराठी में नाग, हिंदी में नाग, या फिर किसी किसी जगह में गेवन फिटार के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक, भारत में पाए जाने वाली 4-5 जहरीले सांपों में से ये एक सांप है दोस्तों। इसके काटने पर इंसान की मौत हो सकती, पर अगर
टाइम से अगर इलाज हो गया तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, जो आपकी बच सकती है। अगर टाइम से इलाज नहीं होगा तो दोस्तों ये कुछ खाया है शायद, कुछ निकालने का फिराक में है। तो दोस्तों वीडियो पे बनी रहिए, अभी हम लोग ने इसको रिलीज किया है दोस्तों। तो